लेकर रैली में भीड़ जुटाई, ताकतवर थे तो कोटा में एयरपोर्ट लाते, चुनाव आयोग को भेजी शिकायत। कोटा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल ने भाजपा उम्मीदवार ओम बिरला की बुधवार को हुई नामांकन रैली को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने गुरुवार सुबह एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने कहा बिरला की रैली सरकारी रैली थी। इसमें सफाईकर्मियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाई गई थी। मेरी रैली देखते कितनी भीड़ थी। गुंजल ने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रत्याशी की नामांकन रैली में राजस्थान लोकसभा इलेक्शंस 2024 कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल ने गुरुवार 4 अप्रैल को सांगोद विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने ओम बिरला के भाई पर हमला किया। कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल ने कहा, बिरला के लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद कोटा की जनता को उम्मीद थी कि नए उद्योग आएंगे, मजदूर और बेरोजगारों के सामने रोजगार के नए अवसर आएंगे। हाड़ौती का किसान आंखों में सपना पाल बैठा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी राजस्थान का किसान 24 घंटे की फीस बिजली की मांग करता है। लोगों को था ये उम्मीद, प्रहलाद गुंजल ने कहा। अब तो सांसद पार्लियामेंट की सबसे ऊंची कुर्सी पर जा बैठे मेरे गांव को 24 घंटे 3 फेस की बिजली मिलना प्रारंभ हो जाएगी। कोटा का पढ़ने वाला बच्चा अब तो कोटा की धरती पर IIT जैसे संस्थान आएंगे। अब कोटा की धरती के लोगों को असाध्य बीमारियों के इलाज के लिए भाग कर दिल्ली जयपुर की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। कोटा में एम्स जैसे संस्थान आएंगे। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि कोटा में कोचिंग क्षेत्र में तो कुछ निजी लोगों के दखल के कारण कोटा का नाम हो गया, लेकिन जब बिरला हमारे सांसद ताकतवर सीट पर चले गए तो अंतर्राष्ट्रीय उच्च मानकों का विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय होगा, न जाने कितने संस्थान आएंगे। कोटा के जीवन में 4 चांद लग जाएंगे, चारों तरफ खुशहाली व समृद्धि का वातावरण बन जाएगा। जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद कोई ताकतवर सांसद हमारा इस मुकाम पर है। क्यों शहर की जनता को गुमराह कर रहे हो, अपनी खुद की बात पर तो कायम रहो। आपने कहा था कि एयरपोर्ट नहीं ला सका तो मैं बिरला एयरलाइंस चलवा दूंगा। उन्होंने कहा कि जनता ने बदलाव का मन बना लिया है, अब आप दोबारा लोकसभा अध्यक्ष बनने से रहे। कोटा, ओम बिरला और उनके भाई पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप, प्रहलाद गुंजल ने की चुनाव आयोग में शिकायत। कोटा, राजस्थान में कोटा बूंदी संसदीय सीट के कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल ने मोदी 2 सरकार में लोकसभा स्पीकर रहे और बीजेपी के प्रत्याशी ओम बिरला, उनके भाई हरिकृष्ण बिरला के खिलाफ मुख्य निर्वाचन आयुक्त को शिकायत की है। प्रहलाद गुंजल ने दोनों बिरला भाइयों पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया है कि चुनाव आयोग और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, वह आदर्श आचार संहिता की पालना नहीं करवा पा रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी ओम बिरला ने 3 अप्रैल को नामांकन पत्र दाखिल किया था। इनके भाई हरिकृष्ण बिरला ने 4 अप्रैल को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया। ओम बिरला और हरिकृष्ण बिरला के खिलाफ क्या शिकायत? गुंजल की शिकायत है कि जब भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला ने नामांकन दाखिल किया तो जो आचार संहिता में बिंदु दिया हुआ है कि 5 व्यक्ति रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष मौजूद रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन जब ओम बिरला नामांकन अधिकारियों ने सभी कर्मचारियों को रैली स्थल के पास स्थित बारातगारी पर एकत्रित होने के लिए पाबंद किया है। वहां से उन्हें पार्टी का दुपट्टा पहनाकर भाजपा प्रत्याशी की रैली में जाने के लिए निर्देशित किया है।
इसी प्रकार आंगनबाड़ी संचालित करने वाली सभी महिलाओं को भी रैली में आने के लिए दबाव डाला जा रहा है। जिला परिषद के अधिकारी भी सभी नरेगा कर्मचारियों को बसों में बिठाकर रैली में ले जाने की व्यवस्था करवा रहे हैं, जो कि सीधे से आचार संहिता का उल्लंघन है। गुंजल ने तीनों शिकायत पर उचित कार्रवाई कर आदर्श आचार संहिता का पालन करवाने की मांग की।